आज का टॉपिक है परिवार, फैमिली। ये टॉपिक जो है काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैं इस टॉपिक को 2 या 3 लेक्चरों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग उसको पूरी तरह से समझ सकें। क्योंकि परिवार जो टॉपिक है, ये हर क्लास में पूछा जाता है, और इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको समझना ज़रूरी है। तो परिवार मीन्स फैमिली, जब हम परिवार शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हमारे सामने एक चित्र उपस्थित होता है। वह चित्र कैसा होता है? एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे साथ में रहते हैं। ये परिवार हमें वर्तमान समय में सभी जगह दिखाई देता है, जिसे हम एकांगी परिवार या न्यूक्लियर परिवार कहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली इज द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। परंतु इसके बाद भी हम देखते हैं, एक दूसरा चित्र भी हमारे सामने उपस्थित होता है, एक ऐसा परिवार जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मीन्स एशियाई क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। ये एक ऐसा परिवार होता है जिसके अंतर्गत 3 जनरेशन के सदस्य लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, ये सब मिल के आपस में एक परिवार, एक छत के नीचे निवास करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक और हमें परिवार दिखाई देता, उसका चित्र भी आप लोग अपने दिमाग में स्थापित कीजिए। ये होता है कंजुअल फैमिली, एफिनिटी परिवार। ये एक ऐसा परिवार होता है जिसका मुख्य आधार कमिटमेंट होता है, माने 2 व्यक्ति, एक पुरुष और एक महिला, आपस में ये कमिटमेंट अपने में करते हैं कि वो पूरी जिंदगी संग रहेंगे, और परंतु उनके बच्चे नहीं होते हैं। यदि बच्चे या तो वो पैदा नहीं करना चाहते हैं और या होते नहीं हैं, इसलिए वो किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि परिवार जो है, द फैमिली इज द ग्रुप ऑफ 2 or more पीपल हु आर रिलेटेड आइदर बाय बर्थ और बाय मैरिज और बाय ए अडॉप्शन। माने फैमिली ऐसे लोगों का समूह है जिसके अंतर्गत 1 या 2 सदस्य रहते हैं जो आपस में संबंधित होते हैं। इनका संबंध बर्थ से होता है या मैरिज से होता है या फिर गोद लेने के द्वारा ये समूह अपना निर्माण करते हैं। तो परिवार हम देखते हैं कि आदिकाल से परिवार समाज में हमें दिखाई देता है। आज मनुष्य ने टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति कर ली है, चांद तक पहुंचने की उसने कोशिश कर ली है, परंतु परिवार जैसी संस्था को वो आज तक जन्म नहीं दे सका। यद्यपि इतना जरूर है कि इसके रूप में परिवर्तन होता रहा, परंतु परिवार नामक संस्था समाज के संग बराबर चलती आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, एक मौलिक संस्था है, समाज की रीढ़ है। क्योंकि समाज तब तक ही गतिशील हो सकता है जब तक परिवार उसके संग बंधा हुआ है, क्योंकि परिवार के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है जो दूसरी संस्था के द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए कूले इसे प्राथमिक समूह कहता है कि समाज में यदि कोई समूह पहला है तो वह परिवार है, क्योंकि परिवार ही समाज की रीढ़ है। परिवार के अंतर्गत मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं और द्वैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पहली जो प्राथमिक आवश्यकता है, मीन्स वो
सर्वाइव कैसे करे, जीवित कैसे रहे, तो जीवन उसे देने वाली संस्था जो है वो परिवार ही है। परिवार के अंतर्गत व्यक्ति को जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जिन चीज की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता की पूर्ति परिवार के अंतर्गत होती है। क्योंकि बच्चा जन्म लेता है और जन्म के जीवित रहने के लिए उसे दूसरों की आवश्यकता होती है, और ये जो दूसरे व्यक्ति होते हैं ये परिवार के ही सदस्य होते हैं जो उसको जीवन प्रदान करते हैं। और दूसरे जो उसकी आवश्यकता पूरी होती है वो मनुष्य को ईश्वर के द्वारा यौन तुष्टि की आवश्यकता होती है, और यौन तुष्टि की आवश्यकता जो है वो परिवार के अंतर्गत ही हो सकती है। क्योंकि प्रत्येक परिवार इस बात की अप्रूवल देता है कि यदि व्यक्ति अपनी सेक्सुअल आवश्यकता को पूरा करता है तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वह संतान समाज में वैध कहलाएगी, उसको सामाजिक अधिकार प्राप्त होगा। तो ये जो आवश्यकताएं हैं, ये दो आवश्यकताएं कि बच्चे का पालन पोषण करना, उसको जीवित रहने के लिए सहायता करना, ये काम केवल परिवार ही कर सकता है। और माता पिता जो हैं, इधर पर हम देखते हैं कि बच्चे को जन्म देते हैं और उसको जीवन भी प्रदान करते हैं और एक सामाजिक नागरिक बनाते हैं। दूसरी जो आवश्यकताएं हैं वो है द्वैतिक आवश्यकताएं, जो कि केवल जीवन ही व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति, एक बच्चे का जिसका जन्म होता है उसकी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं ही होती हैं। और इन सामाजिक आवश्यकताओं को कौन पूरा करता है? परिवार नामक संस्था के अंतर्गत ही हमारी ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो उस बच्चे में सामाजिक गुणों का संचार करना, प्रेम, त्याग, ये जो गुण होते हैं ये हमें परिवार के अंतर्गत ही मिलते हैं। कि माता पिता हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये वो सिखाते हैं। इसके साथ समाज की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, ये हम परिवार के अंतर्गत ही सीखते हैं। विवाह करना है व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है, और ये काम भी परिवार के अंतर्गत ही संपादित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता, उसे उठना बैठना, किस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों से समाज में वार्तालाप करना है, ये सब गुणों का संचार जो होता है वो परिवार के अंतर्गत ही होता है। इसलिए परिवार अपने कानून बना लेता है, नियम बना के रखता है, और प्रत्येक सदस्य को जो कि परिवार का सदस्य होता है उसे इन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार एक रूप में तो समिति दिखाई देता है कि ये कुछ व्यक्तियों का समूह है जो आपस में मिलकर अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि परिवार के अपने नियम कानून होते हैं और उन नियम कानून के आधार पर समाज में वो एक सभ्य नागरिक को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से परिवार जो है आधुनिक प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता आ रहा है। ये कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं ये मैंने आपको बताया कि परिवार जो है उसके अंतर्गत व्यक्ति जो है द फैमिली लिव इन ए होम, एक उसे शेल्टर मिलता है जिसके अंदर वो रहता है। फुलफिल द बेसिक नीड, हमारी जो एजुकेशन की, हमारी जो भोजन की, हमारी जो कपड़ों की आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को परिवार के अंतर्गत ही पूरा किया जाता है। चेयर अप वेन सेट, कभी कभी साइकोलॉजिकल जो आवश्यकताएं होती हैं कि मानसिक रूप से कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक दुखी हो जाते हैं कि हम मरना चाहते हैं, तो ऐसे समय में परिवार हमारे संग खड़ा रहता है और वो हमको धाड़स देता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें जितने भी हमारे अचीवमेंट होते हैं उन सबको इंकरेज करने का दायित्व जो होता है परिवार के ऊपर होता
है, पर फैमिली हेल्प अस टू ग्रो मीन्स वो हमारे को आगे बढ़ने के लिए, हमारी जो ग्रो अप होता है उसमें जो हमें बोलना, उठना, बैठना, वैल्यू, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ट्रेडिशन, राइट और रॉन्ग, ये सब चीज़ें जो है हमें परिवार के अंतर्गत ही सिखाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के चाल चलन से, उसके चरित्र से परिवार की पहचान होती है, क्योंकि यदि परिवार अच्छा है तो निश्चित ही उस परिवार में जो सदस्य होंगे उनका व्यक्तित्व भी क्या होगा, अच्छा होगा। पेरेंट्स मेक सेक्रीफाइस, बच्चा देखता है कि माता पिता किस प्रकार से उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं और उसके लिए कितना त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से परिवार जो है व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण संस्था है, और इस प्रकार की संस्था आज आधुनिक काल में, जबकि हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, हमें इस प्रकार की संस्था दिखाई नहीं देती है। हाँ, इसके रूप में हमें बराबर परिवर्तन दिखाई देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि परिवार जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त एवं गोद लेने वाले संबंधों से जुड़े होते हैं, जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, जो पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री तथा भाई बहन के रूप में अपनी भूमिकाओं व कार्यों का निभाते हुए एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं तथा एक समान संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो परिवार के जो मुख्य तत्व हैं कि इसके अंतर्गत जो भी लोग हैं वो तो या तो विवाह के द्वारा बंधे हुए हैं, या आपस में उनका रक्त संबंध है, या फिर गोद लेने के द्वारा जे लोगों ने एक समूह का निर्माण किया है और इसके अंतर्गत उन्होंने एक गृहस्थी बताई है, एक घर का निर्माण किया है जिसमें उनके आपस में संबंध हैं। पति पत्नी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पुत्र पुत्री हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, और सबकी भूमिकाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। तो परिवार के अंतर्गत ये बच्चे को बताया जाता है कि उसका संबंध किस व्यक्ति से किस प्रकार का है और इन संबंधों को उसे किस प्रकार से आगे बढ़ाना है ताकि समाज गतिमान हो सके, और इस प्रकार से इन संबंधों के द्वारा वो एक संस्कृति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ टाइज विद द ब्लड रिलेशन रन्स विद द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, दस फ्रॉम वेरियस रिलेशनशिप लाइक हजबेंड एंड वाइफ, मदर एंड फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर, क्रिएटिंग ए कॉमन कल्चर इन ए रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रोल एज पर द रिलेशनशिप दे होल्ड विद ईच अदर। इस प्रकार से एक छोटा समाज का रूप हमें परिवार में दिखाई देता है। तो अब मेरे को लगता है आप लोगों को परिवार का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिवार जो है हम किस संस्था को कहते हैं। अब हमें देखना होगा कि परिवार की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। यदि आप लोग को मैं तीन परिभाषाएं बताती हूँ, इन तीन परिभाषाओं को यदि आप अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप परिवार को अच्छे से लिख सकेंगे यदि वो परिवार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार जो है उसकी परिभाषाएं देना तो कठिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वभौमिक संस्था है, किंतु फिर भी समाज शास्त्रियों ने मेहनत करके इसकी अपनी अपनी परिभाषाएं अपने अपने शब्दों में दी है और उसके द्वारा हम परिवार को पूरी तौर से समझ सकते हैं। तो परिवार जो है इंग्लिश के आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द से बना है, जिसका लैटिन में जिसे कहा जाता है फेमुलस। फेमुलस का अर्थ होता है, जैसा मैंने आपको पहली परिभाषा में बताया कि फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर पीपल हु आर रिलेटेड आइदर बाय बर्थ और बाय मैरिज और बाय ए अडॉप्टेशन। तो इस प्रकार से ये परिवार का एक रूप है, इसी को हम ऐसे परिवार लोगों के समूह को हम परिवार कहते हैं। तो यदि हम लुंडवर्स की परिभाषाएं देखते हैं, लुंडवर्स की परिभाषा यदि आपने
परिवार में नहीं समझी है तो आप परिवार को कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि लुंडबर्ग ने अपनी परिभाषा में परिवार की ऐसी महत्ता को स्पष्ट किया है जो दूसरा समाजशास्त्री नहीं कर पाया है। तो लुंडबर्ग कहता है कि सामाजिक व्यवस्था में यदि पुनरुत्पादन का कार्य रुक जाए, यदि बच्चों का पालन पोषण ना किया जाए और उन्हें अपने विचारों को आगामी पीढ़ी के लिए संचरित करना तथा एक दूसरे से सहयोग करना ना सिखाया जाए, तब संभवतया समाज का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि परिवार एक महत्वपूर्ण खोज है मनुष्य की सभ्यता की, क्योंकि इसके अंतर्गत पुनरुत्पादन का काम होता है, बच्चों का लालन पोषण किया जाता है और उनके विचारों को आगामी पीढ़ी को प्रदान किया जाता है, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया भी परिवार के अंतर्गत की जाती है। जो कुछ भी आज तक समाज ने प्राप्त किया है हम आने वाली पीढ़ी को प्रदान करते हैं और इसमें सहयोग करना सिखाया जाता है ताकि व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। दूसरी परिभाषा है जो कि जी एस मोलडॉक ने दी है, वो कहता है द फैमिली इज ए सोशल ग्रुप करेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेसिडेंट इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड रिप्रोटेक्शन, इट इंक्लूड एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस ऑफ लिस्ट टू और बूम मेंटेन ए सोशली अप्रूव सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड वन और मोर चिल्ड्रन ऑन और अडॉप्टेड ऑफ द सेक्सुअली कोहैबिटिंग एडल्ट्स। ये भी वही कहता है कि परिवार जो है उसका एक कॉमन रेसिडेंस होता है, इनकी एक आर्थिक रूप से ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चों को जन्म दिया जाता है जिसका कि अप्रूवल उसे समाज से मिलता है कि दो एडल्ट व्यक्ति अपनी सेक्सुअल आवश्यकताओं को पूरा करें और सोशली उसे अप्रूवल मिल जाता है और इस तरह से इन बच्चों को लालन पालन करने की व्यवस्था इसी संस्था के पास रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मर्गडॉन कहता है कि इसमें जो उसने अपनी परिभाषा दी है कि एक कॉमन रेसिडेंस होता है, इकोनॉमिकल आपस में इन लोग क्या करते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नीडों की आवश्यकता की पूर्ति होती है जिसे समाज का अप्रूवल प्राप्त होता है, ऐसी संस्था समाज में दूसरी हमें दिखाई नहीं देती है। मैकाब और पेज लिखते हैं कि ऐसा समूह है जो कि यौन संबंधों पर आश्रित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से मैकाबर का जो परिभाषा है वो बहुत आधुनिक परिभाषा है, वो केवल इसमें ये कहता है कि यौन संबंधों पर आश्रित है और उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जिनका जन्म होता है, उनकी वो पालन पोषण करने की व्यवस्था करता है। परंतु हम देखते हैं जैसे कि हमने आगे अपनी व्याख्या में देखा है कि परिवार जो है समाज की एक ऐसी संस्था है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी समाज का सदस्य है वो इसका दो रूप में सदस्य होता है, एक में तो वो जन्म लेता है और दूसरे में वो जन्म देता है, और ऐसी कोई संस्था अभी तक समाज में हमें दिखाई नहीं देती है। अब दूसरे लेसन में मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगी कि समाज इसकी क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या कार्य हैं, टाइप्स ऑफ द फैमिली, परंतु अभी मैंने आपको इतना समझा दिया है। अब यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको मेरा लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया है।